पार्ट टू में अब हवा मेथड के बारे में रेशियो के बारे में बता रहे हैं आपको। रेशियो के बारे में देखिए, आपको बताए थे कि ये रेशियो मैथ के रेशियो से भिन्न। अब देखिए रेशियो रीडिंग में रेशियो क्या होता है, हवा मेथड में रेशियो क्या होता है। LHS को RHS के बराबर करने के लिए, LHS को RHS के बराबर करने के लिए जिस अंक की कमी या वृद्धि की जाती है, जिस अंक की कमी या वृद्धि की जाती है उसी कमी या वृद्धि वाले अंक को हम रेशियो कहते हैं, उसी कमी या वृद्धि वाले अंक को हम लोग रेशियो कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझाते हैं, देखिए ये LHS साइड है और ये आपका RHS साइड। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कि ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये 5 है, LHS साइड में 5 है और RHS साइड में 3 है। अब देखिए कि LHS को RHS के बराबर करने के लिए LHS में कितना है, 5। नियम कहता है कि LHS को RHS के बराबर करने के लिए LHS साइड 5 है, RHS साइड 3 है। इस 5 को 3 बनाएंगे, इस 5 को 3 बनाने के लिए जिस अंक की कमी या वृद्धि, तो बताइए इस 5 को यदि हम 3 बनाएंगे तो कितना जोड़ना या कितना घटाना पड़ेगा, कितने अंक की प्लस या कम माइनस करनी पड़ेगी। तो इस 5 को यदि हम 3 के बराबर बनाएंगे तो हमें इस जगह पे माइनस 2 करना पड़ेगा। LHS को RHS के बराबर करने के लिए, यानी इस 5 को 3 बनाने के लिए जिस अंक की कमी या वृद्धि की जाती है, माइनस 2 की कमी की गई है, उसी कमी या वृद्धि वाले अंक को, इसी कमी या वृद्धि वाले अंक को रेशियो कहते हैं। क्लियर, इसी कमी या वृद्धि वाले अंक को रेशियो कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें खास कॉन्सेप्ट जो है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है रेशियो में, ये आप समझिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए नीचे में दिया रहता जैसे 4, अब कहता कि 4 के बारे में मालूम है, देखिए 5 LHS साइड 5 दिया हुआ था, इस 5 को 3 बनाना है, 3 बनाने के लिए माइनस 2 करना पड़ा। अब इसी माइनस 2 को हम रेशियो कहते हैं। कॉन्सेप्ट का कहना है कि जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, ऊपर क्या लगा है रेशियो, माइनस 2। तो अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वाक रहेगा, यहाँ आपको पूछेगा यहाँ क्या होना चाहिए, इस बॉक्स में क्या भरेंगे, तो जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, ऊपर कितना रेशियो दिए हैं, माइनस 2 का। नियम के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, ऊपर रेशियो क्या है, माइनस 2, नीचे भी रेशियो क्या लगाएंगे, माइनस 2। तो 4 में माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 2, यही 2 आपका आंसर है। ये एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। अब एक क्वेश्चन के व्यू से आपको हम बताते हैं किस कैसा रहेगा, तो कैसे करना है। अब चलिए रेशियो समझ गया कि LHS को RHS के बराबर करने के लिए, इस 5 को 3 बनाने के लिए, ये LHS में 5 है, RHS में 3 है, इस 5 को 3 बनाने के लिए जिस अंक की कमी या वृद्धि की जाती है, जिस अंक की, यहाँ पे कमी वृद्धि किसी की गई है, माइनस 2, इसी कमी या वृद्धि वाले अंक को रेशियो कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, रेशियो। और जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, तो हमने जो रेशियो ऊपर आया वही रेशियो नीचे लागू किए, और 4 में से माइनस 2 किए, 2, ये आपका आंसर आ गया। तो रेशियो आप पूरी तरह समझ चुके हैं। अब देखिए इस रेशियो पे आपको हम एक सम बना के दिखाते हैं। इस रेशियो अब देखिए जिसे क्वेश्चन लेते हैं कि यदि 30 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने में 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि 30 तारीख को मंगलवार है, तो बताएं उसी महीने में क्वेश्चन है कि 30 तारीख को मंगलवार है, तो बताएं उसी महीने में 3 तारीख को कौन सा दिन है। अब देखिए इसको रेशियो के मेथड से LHS, देखिए ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो के इस साइड LHS होता है और एरो के उस साइड RHS होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब चलिए
30 इस 30 का छोटा रूप आपको बता चुके। छोटा रूप का मतलब होता है कि 7 से भाग देकर जो शेष होता है उसी शेष को हम छोटा रूप कहते हैं। अब देखिए इस 30 का छोटा रूप क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे मंगल है, मंगल ये शब्द में है, ये मंगल शब्द में है, इसे अंक में यदि बदलेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, आपको बताए हैं कि रविवार 1, सोमवार 2 और मंगल हो जाएगा 3। तो अब इसको हम 3 लिख सकते हैं। अब देखिए LHS साइड में क्या है, 2। LHS में 2 है, RHS में 3 है। LHS में 2 है, RHS में 3 है। रेशियो का नियम कहता है कि LHS को RHS के बराबर करने के लिए, अर्थात LHS में 2 है, RHS में 3 है, 2 को 3 करने के लिए जिस अंक की कमी या वृद्धि की जाती है। अब बताइए 2 को 3 बनाना है, 2 के 3 के बराबर करना है, तो क्या जोड़ना या घटाना पड़ेगा? जी हाँ, प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब उसी कमी या वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, रेशियो, इसी प्लस 1 को हम बोलते हैं रेशियो। अब आपको इससे पहले बताए थे कि जो रेशियो ऊपर, कॉन्सेप्ट है कि जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, ऊपर रेशियो कितना है प्लस 1 का, नीचे भी अब आंसर निकालने के क्या रेशियो लगाएंगे, प्लस 1 का। अब बताइए जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, तो अब 3 में 1 यदि जोड़ेंगे कितना होगा, 4। अब इस 4 को दिन के रूप में हमें क्या कह सकते हैं, रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3 और बुध हो जाएगा 4। तो अब ये देखिए आपका ये आंसर जो है, ये आपका आंसर, तो ये देखिए ये हवा मेथड का रेशियो पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ 2 था, 2 को 3 बनाएंगे। एक बात और आपको हम बता दें कि जब भी करेंगे तो LHS को ही RHS बढ़ाना है, LHS को ही RHS बढ़ाना है। जैसे देखिए यदि आपको पूछे कि ABCD आप सुनाइए हमको, तो आप ABCD बोलिएगा तो सबसे पहले L और उसके बाद आप R बोलिएगा, पहले L और तब R बोलिएगा, या कभी R बोल के L बोलिएगा? जी नहीं। यदि ABCD को आप, आपको बोलेंगे ABCD सुनाइए सीधे क्रम में, तो आप L और L के बाद R, इसलिए लेफ्ट से जाएंगे राइट, ना कि राइट से जाएंगे लेफ्ट, ये गलत होगा और ये आपका सही होगा। जब भी जाएंगे तो लेफ्ट को राइट बनाना है, ना कि राइट को लेफ्ट जाएंगे। इस पर कृपया ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट से ही राइट जाना है, लेफ्ट से ही राइट जाना है, राइट से लेफ्ट नहीं आना। चलिए क्लियर। अब देखिए अब इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको भली भांति समझ में आ जाए, और ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, इनके बाद चलेंगे हम टाइप 2 पे। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस पूरी तरह से हो जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी रेशियो में, देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 6 तारीख को शनिवार है, और आपको पूछ रहा है कि बताइए 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए सिंपलीफाई करेंगे, 6 तारीख को शनिवार, 6 का वैल्यू 6 ही रहेगा क्योंकि ये 7 से छोटा रहेगा तो उसका वैल्यू वही रहेगा। यहाँ 29 है, इसका वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, और ये शनिवार शब्द में है, इसे अंक में लाना है तब ना इसकी क्रिया कैलकुलेशन हो सकती है। तो अब शनिवार को हम क्या लिखते, जानते हैं कि आप 0 होता है क्योंकि तो रविवार 1, सोम 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6 और शनि हो गया आपको 7। अब देखिए तो अब इस 6 को 0 बनाना है, अब इस 6 को 0 बनाना है, तो आप बताइए इसमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि LHS के साइड 6 है, RHS के साइड 0 है, 6 को 0 बनाना है, तो कहिए रेशियो में क्या आ जाएगा, -6। ये रेशियो में क्या आएगा, यानी 6 को 0 बनाने के लिए -6 चाहिए। अब देखिए जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, अब यहाँ पे -6 करेंगे, अब क्या होगा, अब जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे। अब देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, लेकिन हम बताते हैं कि यहाँ क्या करना है। अब देखिए 1 में से 6 घटाएंगे, क्या 1 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा। जब 1 में से 6 नहीं घटेगा तो अब देखिए क्या करते हैं, अब बताइए हम 7 को, 7 का वैल्यू क्या लिखते हैं, जी 8 का वैल्यू हम क्या लिखते हैं 1, और 9 का वैल्यू हम क्या लिखते हैं 2। वैल्यू यानी कि शेष, यानी कि 7 का वैल्यू कितना हो गया 0, 8 का क्या लिखते हैं 1, 9 का क्या लिखते हैं 2, और 10 का क्या लिखते हैं 3। आगे भी इसी तरह चलेगी, लेकिन जब 7 को 0 बोल सकते हैं, 7 को 0 कह सकते हैं, तो क्या 0 को 7 नहीं कह सकते हैं?
यदि 8 का वैल्यू 1 कर सकते हैं तो क्या 1 को हम 8 ही कर सकते हैं? यदि 9 का वैल्यू 2 कर सकते हैं तो 2 का वैल्यू 9 कर सकते हैं? यानी कि ये बड़ा रूप है, इसे हम बोलते हैं बड़ा रूप और इसे बोलते हैं हम छोटा। ये आपका बड़ा रूप है, ये आपका, यानी कि बड़े रूप में जब 7 रहता है तो 0 किया जाता है, बड़े रूप में जब 8 रहेगा तो उसे 1 करना है, बड़े रूप में 9 रहता है छोटे रूप में से क्या बोलते हैं 2। यदि जब बड़े को छोटे कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट छोटे को हम बड़े कर सकते हैं। जहां 0 रहेगा वहां 7 भी लिख सकते हैं, जहां 1 रहेगा वहां 8 भी लिख सकते हैं, और जहां 2 रहेगा वहां 9 भी लिख सकते हैं। जब हम बड़े को छोटे कर सकते हैं तो ऑलरेडी छोटे को हम बड़े कर सकते हैं। यहां देखिए 1 में से 6 निकल रहा था, यानी कि छोटा पड़ गया, तो अब इसे हम बड़ा कर लेंगे अपने सुविधा के लिए, इसे हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें 6 घटाने में दिक्कत ना हो। अब इस 1 को यदि बड़े फॉर्म में लाएंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, इस 1 को बड़े फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं 8। यानी इस 1 को हम यदि 8 मान लें, क्योंकि बड़े रूप में 8 मान लें, तो अब 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 का मतलब रवि है सोम हो जाएगा 2, तो आपका आंसर कितना हो गया 2। अब देखिए ये स्टेप भी बता दिए कि जब यदि देखिए जब काम पड़ेगा छोटा करने का तो छोटा कर लेंगे, जब काम पड़ेगा बड़ा करने का तो बड़ा कर लेंगे। दोनों तरीका हम लोगों के पास अवेलेबल है, दोनों तरीका अवेलेबल है कि जब छोटा करना है तो छोटे कर सकते हैं और बड़ा करना है तो बड़े कर सकते हैं। इस जगह पे 1 में से 6 नहीं घट रहा था, इसलिए हमने क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। अब 8 में से 6 आसानी से घट जाएगा, और जब इस तरह की सिचुएशन रहेगी तो छोटे को बड़ा करके तब घटाएंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए जो कि लास्ट होगी, तब टाइप 2 पे चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 3 आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए टाइप 1 का ही क्वेश्चन 3 है, ये जो है ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन 3 है। अब एक क्वेश्चन देखें, दूसरा देखें, अब तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 10 तारीख को, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 10 तारीख को मंगलवार था, 10 तारीख को मंगलवार था, अब यहाँ पे मांगा जा रहा है कि 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए एलचर साइड में 10 है और आर्चर साइड में मंगल है, तो इस मंगल को पहले संख्या में ले आएंगे तब ना मैथ की क्रिया कर पाएंगे। अब इसी मंगल को संख्या में लाएंगे तो रविवार 1, सोमवार 2, मंगल कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब चलिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिखेंगे, 10 का वैल्यू यानी कि छोटा रूप यानी 7 को भाग देंगे, 7 × 7 = 10। अब इस 3 को 3 बनाना है, इस LHS को RHS के बराबर करना है, LHS को RHS के बराबर करने की जिस अंक की कमी या वृद्धि, जिस अंक की कमी या वृद्धि की जाती है तो 3 को 3 बनाना प्लस 0 करना पड़ेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं रेशियो। अब देखिए जो रेशियो ऊपर वही रेशियो नीचे, 29 का छोटा रूप यानी कि वैल्यू 7 × 28 1 × 29। अब जो ये 1 है इस 1 में वही रेशियो लगेगा जो लगा था ऊपर, जो रेशियो ऊपर वही रेशियो हम लगाते हैं नीचे। 1 में यदि प्लस 0 जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो सभी आदमी जानते हैं कि 1 होगा, और इस 1 को हम लोग बोलते हैं रविवार, तो आपका आंसर रविवार आ गया। अब आपको दिक्कत नहीं, टैप 1, टैप 2, टैप 3 कंप्लीट।